कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी द्वारा जीएसटी सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार को सर्च सीजर, गिरफ्तारी और प्रोस्टिट्यूशन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता शुभम अग्रवाल ने शिरकत की। अधिवक्ता शुभम अग्रवाल ने बताया कि ये आज का सबसे ज्वलंत टॉपिक है, जिसमें जीएसटी के अंदर सर्च और सीजर, अरेस्ट और छापेमारी से व्यापारियों का उत्पीड़न कैसे बंद हो, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। गंगा की अविरलता व स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं माँ गंगा का जल आखिरकार दूषित क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण लोगों में जागरूकता की कमी भी है। इसी कमी को पूरा करने और समाज को स्वच्छ गंगा का संदेश देने के लिए आज शहर के गुप्तार घाट सिविल लाइन से होकर लेटे हनुमान जी संगम घाट किला प्रयागराज इलाहाबाद तक दो युवाओं रविंद्र गौड़ और रोहित निषाद लगभग 250 किलोमीटर गंगा नदी तैर कर लोगों को संदेश देंगे। आज जो है गुप्तार घाट पे हमारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा बचाओ अभियान जो चलाया जा रहा है, उसी का जो है प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज कानपुर नगर युवाओं ने जो है यह संकल्प लिया है कि शहर के वासियों को तो हम लोगों ने 11 अगस्त 2019 को जागरूक किया ही था 25 किलोमीटर तैर कर, लेकिन आज जो है यह यात्रा हमारी गुप्तार घाट कानपुर नगर से प्रयागराज तक जो है 250 किलोमीटर तक यह तैर कर होगी, जिसमें रोहित निषाद, रविंद्र गौड़ तैर कर जाएंगे और हमारे साथी ब्रजेंद्र निषाद और मोहित निषाद ये हमारे नाव में साथ में रहेंगे, जो सारी देख रेख और लाइफ गार्ड का काम करेंगे। ये सफ़र जो है हमारा 5 दिन का रहेगा, जिसमें हमारे तैराक 10 घंटे कंटिन्यू तैरेंगे और पानी में ही रहकर सारा कार्य करेंगे, भोजन करेंगे, रेस्ट करेंगे और लोगों को जन जन को संदेश देंगे। क्या हाँ, इससे लोग अवेयर होंगे, लोगों को जागरूकता मिलेगी, नहीं तो अगर ये प्रयास नहीं करेंगे हम लोग तो लोग जानेंगे भी नहीं, और जितना हमारी सरकार ने किया है उतना ही जो है हमारे नगरवासियों, देशवासियों को भी करना होगा, जिससे मैनपुरी के करहल कस्बा समेत ग्रामीण इलाकों में बकाया बिलों की वसूली के लिए बिजली विभाग के द्वारा महाअभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान का शुभारंभ अधिशासी अभियंता जीसीएल भटनागर ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान भटनागर ने बताया कि इस महाअभियान के अंतर्गत 10,000 से ज्यादा बकाया बिल वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे एवं लोगों को बिल जमा करने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। ये सर, आज ये क्या पूरा कार्यक्रम था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। बेसिकली आप लोग के संज्ञान में होगा कि बिजली विभाग आप लोग को, सारे उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश में बिजली देता है और बिजली देने के बाद वो अगले महीने अपेक्षा करता है सारे उपभोक्ताओं से कि वो अपना बिल जो है हर महीने जमा करता है। हम कोई भी किसी भी मोबाइल कंपनी की तरह एडवांस आप लोग से नहीं लेते, हम आप लोग से बिजली देने के बाद, तो कम से कम हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जो है महीने पे अपना बिल जमा करे, जिससे कि हमें पैसा मिले तभी हम आप लोग को अच्छी से अच्छी आपूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि आपूर्ति करने में ऐसा नहीं है कि हमें बिजली कहीं से खरीदनी पड़ती है, उनको भी पैसा देना है, जो ट्रांसमिशन अब अलग हो चुका है उनको भी देना है, हमको हमारे अपने आदमियों को तनख्वाह भी देनी है, सब कुछ के लिए पैसे की ज़रूरत है। ग्वालियर में प्रस्टिक प्रबंधन संस्था ने 11वां 5 दिवसीय राष्ट्रीय शोध कार्यशाला का सफल परीक्षण किया। ये 5 दिन में फर्स्ट एड थ्योरी टिकल ग्राउंडिंग में लगाया गया, जिसमें बताया गया कि प्रॉब्लम एग्रीफाई कैसे करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन कैसे करते हैं और हाउ टू राइट इट गुड रिसर्च पेपर, यतिशेष कैसे एक रिसर्च पेपर या यतिशेष लिखा जाता है, कौन सा सर्जिकल टूल कब यूज किया जाए, कौन से डाटा होगा यूज, ये क्या फीचर्स होंगे इसके, जिससे आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सर्जिकल टूल लगेगा। ट्रस्टीज प्रबंधन संस्थान में आज 5 दिवसीय नेशनल रिसर्च कंसल्टेंसी वर्कशॉप का समापन हुआ। ये 5 दिन में फर्स्ट डे वर्कशॉप का थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग में लगाया गया, रिसर्च प्रोसेस क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करते हैं और हाउ टू राइट ए गुड रिसर्च पेपर या थीसिस, कैसे एक अच्छी रिसर्च पेपर या अच्छी थीसिस लिखी जाती है,
उस पर बात हुई और कौन सा स्टेटिस्टिकल टूल कब यूज किया जाए, कौन सी परिस्थिति में कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, क्या डेटा के क्या फीचर्स होने चाहिए जिसमें जिससे आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेटिस्टिकल टूल लगेगा, ये बातें पहले दिन हुई। उसके बाद सारे स्टेटिस्टिकल टूल्स को उनको करके कंप्यूटर्स पर सिखाया गया, वो साथ में सारे डेलीगेट्स ने किया और एक एक रिसर्च पेपर। राजस्थान की मारूगंगा कही जाने वाली लूनी नदी यूं तो रेगिस्तान के लिए वरदान मानी जाती है, लेकिन जालोर जिले के उपखंड लूनी नदी के किनारे बसे लालपुरा गांव के लिए यह अभिशाप बन गई है। ये नदी चितलवाना गांव से लूनी को गुजरती है। लालपुरा से चितलवाना महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जब लूनी नदी आती है तो यह दूरी बढ़कर 50 किलोमीटर की हो जाती है। लालपुरा से चितलवाना गुजरने वाले रास्ते पर बरसों पहले महज एक रपट बनी हुई है। पानी जब भी इस रपट के ऊपर से गुजरता है तो इस गांव का संपर्क टूट जाता है। इस बार भी यही हाल हुआ। जब लूनी नदी का पानी आया तब पहली मुसीबत बनकर आया। हर साल ये लूनी नदी आती है, क्या समस्या होती है आपके लूनी नदी से? लूनी नदी से मेन तो है आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और बच्चे जो स्कूल जाते हैं, यहाँ से कम 50-60 बच्चे हैं, 12वीं स्कूल तक जाते हैं, उनके बहुत दिक्कत होती है। अब एग्जाम है चल रहे हैं, उसमें जाने की बहुत तकलीफ होती है। उनको गांधव से होते हुए सिवाड़ा से जाना पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई में डिस्ट्रिक्ट होता है और बरसात का मौसम है और दिक्कत होती है। जैसे बुखार आ गया, कोई इमरजेंसी डिलीवरी का कैच आ गया तो नज़दीक कोई हॉस्पिटल है नहीं, जाने में बहुत तकलीफ होती है। उपखंड में क्या जाने के लिए मुख्य रास्ता है, यह बंद हो गया, अब आप कहाँ से जाते हो? यहाँ से केरिया, केरिया से गांधव और शिवाड़ा होते हुए चितलवाना। कितने किलोमीटर का रास्ता तय करके जाते हो? यहाँ से कम 35-40 किलोमीटर का रास्ता तय करके चितलवाना पहुँचते हैं और यहाँ हमारे उपखंड का दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ फिलहाल स्कूलों में टेस्ट चल रहे हैं, बच्चे कहाँ से स्कूल जाएंगे अब? क्योंकि फिलहाल तो बच्चे अभी घर पे ही हैं, एक टेस्ट तो निकल गया और कल गाड़ी की आज गाड़ी की व्यवस्था करके गांधव शिवाड़ा होते हुए चितलवाना पहुँचे। अच्छा, अब आपकी मुख्य मांग क्या है? मेन मुख्य मांग तो इस मार्ग की है, रिप्ट को दोबारा बनाई जाए और सड़क की व्यवस्था की जाए गांव में आने जाने के लिए, मेन ये हमारी मुख्य मांग है। एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए और एक 10वीं स्कूल होनी चाहिए, बच्चों को जाने की दिक्कत ना हो बाहर पढ़ने के लिए, ये मुख्य मांग है हमारी। ठीक, नहीं आप स्कूल हमेशा इसी रास्ते से जाते हो ना? हाँ, फिर क्या हुआ पानी आने के बाद? जोर में बोल। अच्छा, आपके टेस्ट थे, पानी आ गया, टेस्ट नहीं दिया? नहीं। अच्छा, अब स्कूल कहाँ से जाते हो? पचास किलोमीटर दूर घूम कर के स्कूल जाना पड़ता है। अब आपकी क्या मांग क्या है? हमारी मांग है कि ये बने और इस बारी तक स्कूल बनाए। अच्छा, ठीक। खबर बाड़मेर से, जहां पति द्वारा पत्नी को ग्वालियर ले जाकर देह व्यापार के धंधे में धकेलने का मामला सामने आया है। इस मामले में गुड़मालनी पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसे लेकर सवाईराम ने बाड़मेर जिला एसपी को एक ज्ञापन देकर मामले की कार्यवाही की मांग की है। मैडम जी, आप थाना अधिकारी से मिले तो उस थाना अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? मतलब मामला क्या है पूरा पूरा? सर, इस बच्ची के साथ क्या क्या वारदात हुई है उसके बारे में आप? सर, इस बच्ची को यहाँ से इसका पति लेके गया था और दूसरी औरत को साथ में लेके गया था। इसके साथ में बहुत अन्याय हुआ, इसको वेश्यावृत्ति कराई गई वहाँ ले जाके, ठीक है नहीं? उसके बाद में इसके साथ मारपीट भी की गई, वेश्यावृत्ति कराई गई, इसने बच्ची ने बहुत सहन किया। उसके बाद में किसी तरह वो बच्ची यहाँ से निकली, वहाँ से निकल के ये भागी। पर सर, आपने उसके बारे में पुलिस में क्या इतला दी क्या? पुलिस में तो इसके पिता ने इतला दी होगी, नहीं दी है तो अनपढ़ आदमी है, नहीं दे सका होगा। उसके बाद इस बच्ची के पास एसपी पेश हुए, वो डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, वो एसपी पेश हुई है, मैंने सुना है एसपी पेश हुई है, ठीक है नहीं? उसके बाद में कार्रवाई पुलिस वालों ने की नहीं, उसके उपरांत उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी।
एसपी साहब ने आदेश दिया था, मैंने उसको एक वो लेटर लेकर आई थी, मेरे को बताया था। हाँ, उसमें महिला थाने पे जांच दी हुई है, उसके बारे में महिला थाने कोई अधिकारी आप के पास आया? कोई अधिकारी इसके पास नहीं आया लक्ष्मण राम के पास, और न इसे पूछा गया कि भी इसके बारे में कोई कार्रवाई हुई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। किसी ने पैसे दे के दबा दिया, थानेदार को दबाया, किसको दबाया ये मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम सचिन उर्फ लालू नाम के एक युवक को गोली मारने के बाद गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। सर, गोली कांड हुआ या क्या है पूरा मामला? अभी मौके पे आया हूं, सचिन उर्फ लालू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिवारिक जनों से तहरीर ली जा रही है। तहरीर में जो रंजिश है, इन्होंने लव मैरिज किया था, लव मैरिज के जो परिवारिक जन थे उनसे नाखुश थे, आज उनको बुला करके गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तहरीर प्राप्त करके पुलिस की टीमें दबिश बना के गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा। सर, परिजनों का आरोप है कि पुलिस करीबन आधे घंटे लेट पहुंची। सर नहीं, अभी तो सारी फोर्स है, एसपी है, डिस्ट्रिक्ट एसपी है, सीओ हैं, एसएचओ हैं, सभी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। राजू, अच्छा ये बताइए क्या था पूरा मामला? मामला वो लड़की वाला मर्डर था उसका, फिर उसके बाद पूरी बात बताइए। लड़की उसकी थी अनंदन की, इनके संग कोर्ट मैरिज हुई 5 महीने पहले। उसके बाद? उसके बाद जे कोई बात ना, उसने तहरीर दी ना थाने अनंदन, इलावा कोर्ट मैरिज हुई क्या पूरी जगह रक्षाबंधन पर रखवानन गए, उससे 8-10 दिन पहले हुए आए थे जेलो दोनों ने यह बीवी। आज क्या हुआ था? आज वाले घटना में जो है वो मैंने मोबाइल से फ़ोन करके बुलाओ, हम तो अपनी दुकान थे, हम तो यहाँ घर पर खाना खा रहे थे, हमें दो बालक आए यहाँ, बोले राजू भैया तुम्हारे बालकन का और लालू का मर्डर हो गया। पुलिस को सूचना करी गई? पुलिस सूचना दी थी तो पुलिस बता रहे, दो बार सूचना दी, दोबारा पुलिस आई, 100 नंबर दो बार खट कर फोन करो, 100 नंबर ना आई। कितने समय में पहुंची पुलिस? पुलिस पहुंची कम से कम 1.5 घंटा बाद। जनपद संभल तहसील चंदौसी क्षेत्र के गांव अकरोली में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कृष्ण जन्माष्टमी की झांकियां धूमधाम से निकाली गई और जिसमें मुख्य झांकी राधा और कृष्ण का डांडिया खेलते हुए आकर्षक नृत्य रहा और उसी बीच में कृष्ण सुदामा का भी जगह जगह मिलाप हुआ और गांव के मुख्य चौराहों पर कृष्ण के स्वरूप में सजी बच्चों ने मटकी फोड़ी और उसके पीछे झांकी राम लक्ष्मण और सीता और शंकर जी व पार्वती की भी झांकी निकाली गई।